किसी को कॉपी नहीं करना है, अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ आना है। मैं भी यहाँ पे आप लोगों के सामने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और लगभग अगर आप देखोगे तो 1000 वीडियोस बना चुका हूँ, और अच्छा खासा अगर आप बोलेंगे तो इसको मैंने कम्प्लीटली एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है, और यही मेरा कारोबार है। अभी और भी चीज़ें नई नई आगे होंगी। अब मैं जो कर रहा था आज से पहले किसी ने नहीं किया था। जी हाँ, आज से पहले कोई भी ऐसा शेफ़ नहीं था जो आपको इस तरीके से YouTube पे सिखा रहा था। मैं वो पहला इस दुनिया का शेफ़ हूँ जो ऐसी चीज़ें आपको सिखा रहा है कि वो कुकिंग की वीडियोस नहीं बना रहा है, वो आपको सिखा रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको हॉस्पिटैलिटी के बारे में सिखा रहा है, आपको बिजनेस के बारे में सिखा रहा है। हम जो स्मॉल टाउन लोग होते हैं ना, हम जैसे जो गरीब परिवार से होते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हम लोग दूसरों से बड़ी जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। ऐसा शेफ़ बनना है मुझे, वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ है वहाँ का, संजीव कपूर बनना है। भाई वो बन चुके हैं, आप उनको कभी भी कॉपी नहीं कर पाओगे, आप उनके दूर दूर तक भी नहीं भटक पाओगे। तो आपको अपना खुद का कुछ ऐसा यूनिक कर डालना है ताकि आपके पीछे लोग आए। जी हाँ, मैं इस कोशिश से ही 2019 पे यूट्यूब पे आया था, और कहीं ना कहीं मैं खुद मानूंगा कि मैं उस चीज़ में थोड़ा सफल हो चुका हूँ, और मैं इसको कंटिन्यू करता जाऊँगा। ये मेरा पैशन है, सिर्फ यहाँ मैं पैसों के लिए नहीं आया हूँ, ये मेरा पैशन है। क्योंकि अगर आप कोरोना के समय देखें, आधे से ज़्यादा लोग जो इस इंडस्ट्री में थे वो अपने इस प्रोफेशन को ही गाली देने लगे, अपने इस प्रोफेशन के बारे में बुरा भला कहने लगे और इसको चेंज कर लिया। पर अगर उल्टा उस चीज़ को वो इम्प्रूव करते, उनके पास समय था, उस चीज़ को वो और आगे बढ़ाते, तो हो सकता था कि कुछ अच्छा और कुछ नया हो जाए।